Hello science lovers, thanks for watching Hypersonic Indian and welcome to this new episode. Imagine करो कि आप साइकिल पे जा रहे हो एंड आपके सामने से एक वॉल आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप या तो डायरेक्शन चेंज करोगे या फिर वापस चले जाओगे. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के ज्यादा एनर्जी लगाए दीवार को क्रॉस कर जाओ, अभी तो ऐसा कर पाना हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बट क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा करना पॉसिबल है एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स हमेशा ही ऐसा करते हैं. ये फिनोमेना है क्वांटम टनलिंग का, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स फायर इट अप. क्वांटम टनलिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो शायद अर्थ पे लाइफ ही नहीं बचेगी. इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे. पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है और ये काम कैसे करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम पार्टिकल्स वेव्स एंड पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं एंड क्वांटम सुपरपोजिशन की वजह से वो एक ही टाइम पे मल्टीपल प्लेसेस में हो सकते हैं ड्यू टू उनके वेव फंक्शन के. वेव फंक्शन पार्टिकल्स की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है. जहां वेव का एम्पलीट्यूड हाई होगा वहां पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी एंड इसी वजह से पार्टिकल उस बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं जिसे क्रॉस करने की उनमें एनर्जी भी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का एंड सामने एक बैरियर है. जब इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बैरियर के कॉन्टैक्ट में आएगा तब वेव फंक्शन उस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा एंड उससे वेव की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. बट क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी वेव है जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बता रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस कर जाए एंड हम उन्हें दूसरी साइड पर डिटेक्ट कर पाए. बैरियर जितना ज्यादा वाइड होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन के क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी क्योंकि उससे वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. एंड यहाँ पे कुछ चांसेस ये भी हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैरियर के अंदर भी प्रेजेंट हों. ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम रियल लाइफ में इसका कोई भी इंट्यूशन नहीं बना सकते, जैसे कि आप खुद को दीवार को क्रॉस करते हुए इमेजिन ही नहीं कर सकते. बट अगर आप वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को समझते हो तब इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. बट ये क्वांटम टनलिंग ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अर्थ से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लाज्मा का स्फीयर है जिसे हम सन कहते हैं. सन की एनर्जी का सोर्स उसके कोर में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स कोलाइड होकर हीलियम का एटम बनाते हैं एंड इससे बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. बट न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटॉन के एंड सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम चार्ज होने पर भी वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है? हालांकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है जो उन्हें एक दूसरे के पास लाता है, बट ये फोर्स भी तभी काम करता है जब वो पहले से ही एक दूसरे के क्लोज हों. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम्स में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस रिपल्सिव फोर्स को सरपास करके कोलिजन तक पहुंच जाएं. बट सन के स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करने से पता चला कि न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ही कम है जितनी फ्यूजन के लिए जरूरी है. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इसके अकॉर्डिंग तो सन होना ही नहीं चाहिए, बट सन है एंड उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ भी है. ये एक रियल एप्लीकेशन है क्वांटम टनलिंग की. जैसे कि हमने पहले बात करी, इसी फिनोमेना की वजह से पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं जिसको क्रॉस करने के लिए उनमें एनर्जी भी नहीं होती एंड ये होता है उनके वेव नेचर की वजह से. सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो एंड शेयर कर दो आपके सारे साइंस लवर फ्रेंड्स के साथ. और भी साइंस से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.